हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक करें और साथ ही ज़रूरतमंद को वीडियो शेयर करें। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बाल विकास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास की संकल्पना। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाल विकास की संकल्पना का मूर्त रूप इस तथ्य में समाहित है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तथा इसकी शारीरिक एवं मानसिक विकास की संभावनाएं स्वाभाविक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है। इस तथ्य का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि इसकी समुचित जानकारी हेतु हमें बच्चे के विकास की प्रक्रियाओं के मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, जो स्वयं में प्रायोगिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। ये मूल सिद्धांत निम्नवत दिए हुए। आइए दोस्तों, हम इन सिद्धांतों को जानते हैं। पहला ए सिद्धांत, हमें सामान्य रूप से बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास की आरंभिक प्रक्रियाओं के बारे में समझना होगा कि कितनी वय में किस प्रकार के विकास होंगे। इस संबंध में ध्यान देने योग्य है कि हम ना तो बच्चे की वय से ज़्यादा विकास का भ्रम पालें और ना कम का, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में बच्चे का सर्वांगीण विकास व्यतिक्रम पूर्ण हो जाता है। इसका नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, बी दिया है। बी, पर्याप्त शोधों के आधार पर बच्चों में लिंग के अनुसार उम्र के अनुरूप ऊंचाई एवं वजन के विकास के मानक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की प्रक्रियाओं भी ज्ञात हैं और प्रायः सभी में विकास एक जैसा ही होता है, लेकिन यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाए, चाहे वह ह्रास की हो या वृद्धि की, तो इसके कारकों की अनुशीलन आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, सी। सी दिया, सफल मार्गदर्शन से ही सर्वांगीण विकास संभव है। विकास प्रक्रिया की शिक्षकों एवं माता पिता को सही जानकारी होने पर बच्चों को उसकी उम्र के अनुरूप सिखाया जाएगा। जैसे यदि बच्चे ने चलने की उम्र प्राप्त कर ली है, तो उसे चलने का प्रायोगिक प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए। यदि ऐसा ना किया गया तो उसके समुचित विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसका नेक्स्ट जानते हैं, डी दिया है। सामान्य विकास की प्रक्रिया की जानकारी होने पर माता पिता एवं शिक्षक बच्चे को ऐसे परिवर्तन आने के पहले ही, जो उसकी शारीरिक रुचि एवं व्यवहार में परिवर्तन करने वाले हैं, या व्यवहार में होने वाले हैं, पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे स्कूल में भर्ती करते समय बच्चे को स्कूल बस में चढ़ने, अपना ड्रेस पहनने और अपना बैग, पानी की बोतल इत्यादि ठीक से रखने आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाए। हालांकि इससे तनाव खत्म नहीं हो जाते, कुछ बेहतर स्थितियाँ बन सकती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जानते हैं, इस टॉपिक में दिया है बच्चों में विकास के प्रकार एवं उनका महत्व। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बच्चों में विकास का क्रम सतत एवं शनह शनह अर्थात धीरे धीरे निर्बाध रूप से होता रहता है। शिक्षा में भावी विकास को क्रमबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने की क्षमता है। बाल विकास के विभिन्न प्रकार निम्नवत क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। तो आइए इनको हम जानते हैं कि क्या दिया गया है। ए दिया गया है, शारीरिक विकास एवं ऊर्जा का संगठन। इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास उनकी वय के अनुसार औसत रूप में निम्नमत होता है। हालांकि व्यक्तिगत भिन्नता भी इसमें देखी जाती है, जो खान पान, संतुलित आहार, व्यायाम में विकास के लिए उपलब्ध उचित वातावरण द्वारा प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए 5, 6 एवं 7 वर्षीय बालक बालिकाओं का गत्यात्मक विकास कुछ इस प्रकार है।
एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है, इसके माध्यम से हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, शारीरिक क्रियाएं दी हुई हैं, इसके बाद आयु दी हुई है, बालक के लिए दिया है और बालिकाओं के लिए। तो इसका जानते हैं, 5 वर्षीय, 5 वर्ष उम्र के लिए बालक के लिए ऊंची कूद 6.55 सेंटीमीटर, लंबी कूद 85 सेंटीमीटर और बालिका के लिए ऊंची कूद 6 सेंटीमीटर और लंबी कूद 71 सेंटीमीटर। इसके बाद 6 वर्षीय बालक के लिए 10 सेंटीमीटर, लंबी कूद 112.10 सेंटीमीटर और बालिका के लिए 8.25 सेंटीमीटर, लंबी कूद 102 सेंटीमीटर। 7 वर्षीय के लिए बालक के लिए 12.25 सेंटीमीटर, लंबी कूद 144.50 सेंटीमीटर, बालिका के लिए 10.75 सेंटीमीटर ऊंची कूद और लंबी कूद 125.60 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट इसमें दिया है मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की यात्रा को मोटे तौर से 7 अवस्थाओं में निर्धारित किया है। विकास की ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। तो ये अवस्थाएं दी हुई हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। ये अवस्थाएं दी हुई हैं, अनुमानित आयु तथा अवधि, इसके बाद विकास की अवस्थाएं और स्कूल जाने की अवस्थाएं भी दी हुई हैं। तो इसको जानते हैं पहले। इसमें दिया है जन्म से दो वर्ष तक विकास की अवस्थाएं शैशव काल होती है, स्कूल जाने की अवस्था नहीं होती डैश। इसके बाद 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यकाल होता है, इसके बाद स्कूल जाने की अवस्था पूर्व प्राथमिक होती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यकाल कहलाता है, तो स्कूल जाने की अवस्था प्राथमिक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले जानते हैं, बारह वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था कहलाती है, इसमें स्कूल के लिए माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक। इसके बाद 18 से 40 वर्ष तक युवा प्रौढ़ावस्था कहलाती है, 40 से 65 वर्ष तक परिपक्व प्रौढ़ावस्था और 65 से ऊपर वृद्ध प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। इसके बाद हम नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट बी दिया है मानसिक बढ़त एवं बुद्धि का विकास। तो आइए इसको जानते हैं हम। मानसिक विकास का सीधा संबंध बच्चों की बुद्धि के क्रमिक विकास से है। क्रमिक विकास से जो बुद्धि गुणांक या बुद्धि लब्धि अर्थात IQ से प्रतिबिंबित होता है। हालांकि यह बौद्धिक संवर्धन बच्चे के द्वारा परिवार में प्राप्त अनुभवों, सामाजिक परिवेश तथा बच्चों में विभिन्न परिस्थितिजन्य परिवर्तनों के आधार पर होता है, जिसकी विभिन्न शोधों द्वारा वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। मानसिक विकास के तहत बच्चों के द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख है, जिसके लिए वह अपने आसपास के परिवेश से शब्द लेकर अपनी शब्द सामर्थ्य संवर्धित करता है। एक शोध के अनुसार, इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, शोध के अनुसार विभिन्न आयु संवर्गों में उनकी शब्द सामर्थ्य निम्नवत पाई गई है। तो ये उदाहरण दिया गया है, आइए जानते हैं। अर्थात वर्ष उम्र दी हुई है, इसके बाद शब्द सामर्थ्य दिया है, उसके बाद फिर से वय दिया हुआ है अर्थात वर्ष उम्र,
और शब्द सामर्थ्य। 4 वर्ष 5600 मूल शब्द, 7 वर्ष 21200 मूल शब्द, 5 वर्ष 9600 मूल शब्द, 6 वर्ष 14700 मूल शब्द, 8 वर्ष 26300 मूल शब्द और 10 वर्ष 34300 मूल शब्द। ये बताया गया है कि ये इसके अनुसार पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, सी संकल्पना का विकास। बच्चा स्कूल जाने के पहले ही घर पर अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं व्यक्तियों जैसे मोटर गाड़ी, पुस्तकें, डॉक्टर, सड़क, दुकान आदि के बारे में अपनी संकल्पना विकसित कर लेता है। इसमें जगह, दूरी, समय, गणना संबंधी का विकास आदि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं। यही नहीं, इसके द्वारा उसमें समस्या का तार्किक हल निकालने की अद्भुत क्षमता उत्पन्न होती है। इसके बाद अगले जानते हैं, डी दिया है भावनात्मक विकास। बच्चा अपने सीखने के दौरान कई प्रकार के भावनात्मक अनुभवों से गुजरता है, जिसमें वह प्यार, गुस्सा, खींच, लगाव, वितृष्णा इत्यादि भाव घर के वातावरण में अन्य बच्चों से एवं परिवार से सीखता है। तो स्कूल में अन्य बच्चों के साथ समय व्यतीत के कारण उसके संबंध प्रगाढ़ होते हैं। लगाव, अपनत्व का भाव, सुरक्षा एवं सम्मान का भाव इसके प्रमुख सोपान हैं। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट दिया है ई सामाजिकता का विकास। वय बढ़ने के साथ साथ जब बच्चे विभिन्न समूहों में एवं विभिन्न परिस्थितियों में एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे की आवश्यकता भौतिक रूप में सहयोग के लिए महसूस करते हैं, फिर उस समुदाय के लिए अपने हितों का बलिदान करते हैं, तो इससे उनमें सामाजिकता की भावना का तीव्र विकास तो होता है। साथ ही अपने विगत अनुभवों के आधार पर जन्मभूमि एवं देश प्रेम के रूप में प्रकट होता है। इसी के साथ ही व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया संवर्धित होती है। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है विकासात्मक परिवर्तनों के लक्ष्य। आइए जानते हैं इन्हें। बाल विकास से संबंधित 2 शब्दावलियों यथा उत्तरोत्तर अभिवृद्धि एवं विकास, इसका मतलब होता है ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, का प्रायः समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु वास्तविक रूप में दोनों अलग अलग बातों को अभिव्यंजित करते हैं। जैसे ग्रोथ या अभिवृद्धि से तात्पर्य परिमाणात्मक विकास से है, जो कि आकार, प्रकार एवं ढांचागत वृद्धि जैसे शारीरिक वृद्धि, मानसिक मस्तिष्क की वृद्धि आदि को इंगित करता है। विस्तृत मस्तिष्क विस्तृत सीख के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा दिया है, दूसरी तरफ विकास या डेवलपमेंट गुणात्मक पृष्ठभूमि तैयार करता है। यह गुणात्मक परिवर्तनों की ओर इंगित करता है, जिसका उद्देश्य एक सामंजस्यपूर्ण संतुलित विकास है। इस प्रकार जो परिवर्तन हमें लक्षित होते हैं उनके प्रकार निम्नवत हैं। ये सैद्धांतिक परिवर्तन निम्नलिखित विशिष्टताओं से युक्त हैं, इन्हें जानते हैं। ए दिया है आकार प्रकार में परिवर्तन, बी दिया है समानुपातिक परिवर्तन, सी दिया है पूर्व प्रकृतियों का सनह सनह अर्थात धीरे धीरे लोप होना जैसे दांतों एवं ग्रंथियों का बदलाव, मुखाकृति में कोमलता के बदले कठोरता का आगमन आदि। इसका डी दिया है नए नए शारीरिक गुणों का आगमन
जिसके द्वारा बालकों में आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ के बाल आना, बालिकाओं में आवाज का माधुर्य, शारीरिक परिवर्तन आदि। आइए इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया है प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण, तो इसे अध्ययन करते हैं। बच्चे के जीवन के आरंभिक वर्षों में हुए विकास उसके जीवन में विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक चीनी कहावत में तो यह कहा गया है कि जैसे शाखा मुड़ती है वैसे ही पेड़ झुकता है। इसी बात को मिल्टन कहता है कि बचपन मनुष्य की पूर्णता का आभास उसी प्रकार कराता है जैसे सुबह की रौनक से दिन का आभास होता है। एटकिंसन और सिगमंड फ्रायड का विचार साम्य इसी प्रकार के भावों का बोध कराता है। कि मनुष्य के जीवन में जो अविश्वास, जुगुप्सा, क्रोध आदि के अवगुण दिखते हैं, उनका बीजारोपण बचपन में बुनियादी अविश्वसनीय में होता है। इसी प्रकार कर्तव्य परायणता, निष्ठा, शांति, दयालुता, प्रेम के गुण बचपन में मूल विश्वसनीयता से आते हैं। अतः बचपन में ही व्यक्तित्व को संवारने में देरी करने का मतलब है पूरे जीवन को विनाश की ओर ढकेलना। क्योंकि मूल अभिव्यक्तियां बाद में कितनी भी संवारी जाए अपनी छाप छोड़ जाती हैं। बच्चा जब किसी प्रकार की किसी भी नई आदत को सीखेगा और जीवन में उतारेगा तो वह माता पिता के द्वारा उसकी सुरक्षा, भोजन, प्यार, सहकार की जरूरतों इत्यादि को पूरा करने की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चे का मस्तिष्क अत्यंत कोमल होता है और इसे बहुत ही करीने से संवारना चाहिए। इस प्रकार बच्चे की बुनियादी नींव को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां निम्न प्रकार की होती हैं। आइए दोस्तों इन्हें हम जानते हैं। ए दिया है अनुकूलित अंतरव्यक्तिक संबंध, अर्थात फेवरेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यदि बच्चे का परिवेश स्कूल, परिवार एवं संघ साथ अच्छा, देखभाल करने वाला, कर्तव्य पालक, सत्यता, प्रेम का पोषक है तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। अन्यथा बच्चा विषादग्रस्त, अविश्वसनीय, अपराधी प्रवृत्ति का या कुंठायुक्त हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है बी भावनात्मक लगाव, इमोशनल एब्स्ट्रैक्ट अटैचमेंट। यदि परिवेश प्यार का, विश्वसनीयता का एवं सहयोग का है तो वह अच्छे प्रभाव का वाहक होगा। इसका नेक्स्ट सी दिया है बाल शिक्षण के तरीके। बाल शिक्षण के तरीके यदि समता मूलक, सहस्तित्वपूर्ण, सहयोगी तथा प्रसन्नता प्रद है तो भावी जीवन में आदर्श, सच्चे, कर्तव्य परायण नागरिक का निर्माण करेंगे। अन्यथा अवगुणों से पूर्ण व्यक्तित्व बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं। डी दिया है, पूर्व जिम्मेदारियों का एहसास। ऐसा पाया जाता है कि परिवार में जन्म पहला बच्चा बाद में जन्म लेने वाले बच्चों की अपेक्षा कुछ अधिक आत्मविश्वासी, दायित्वपूर्ण होता है। हालांकि यदि समुचित प्रशिक्षण ना मिला तो उसमें बिगड़ने के भी अवसर हैं, जैसे जिद्दी होना, आक्रामक होना और स्वयं ही सब कुछ लेने की
स्वार्थ प्रवृत्ति भी जन्म ले सकती है। इसका नेक्स्ट ई दिया है, ई दिया है पारिवारिक ढांचे का बालपन पर प्रभाव। एक संयुक्त और खुशहाल परिवार का बच्चा तलाकशुदा एवं विसंगति पूर्ण पारिवारिक जिंदगी वाले परिवार की अपेक्षा व्यवहार एवं प्रवृत्तियों में सहयोगी तथा सामंजस्य मुखी होगा, जबकि दूसरा चिड़चिड़ा दुराग्रही और चिंताजनक व्यक्तित्व वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, एफ पर्यावरणीय परिवेश उत्तेजक के रूप में। प्रायः देखा जाता है कि जिस प्रकार का आस पड़ोस होगा उस प्रकार की वस्तुओं को बच्चा पहले सीखता है। जैसे शांत चित्रों वाली कहानी की पुस्तक के चित्र बच्चे को सह अस्तित्व की ओर प्रोत्साहित करेंगे। परिवेश में हो रहे धार्मिक उत्सव उनमें किए गए वाचन, वहाँ की पोशाकें बच्चे के कोमल मस्तिष्क को वैसी ही वस्तुओं में आनंद देंगे। प्राकृतिक सहकार में भी ऐसा ही रूप दिखता है। अन्यथा शोरगुल, गाली गलौज, जुगुप्सा, निंदा के वातावरण से बच्चा वैसी ही बातें आत्मसात करता है जो उसके व्यक्तित्व को विषाक्त बनाती हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय ऋषियों ने गुरुकुल परंपरा और संस्कारों की जो पद्धतियां गर्भाधान संस्कार से लेकर जात कर्म विवाह तक विविध संस्कारों के रूप में संरचित की थी, उनके पीछे एकमात्र उद्देश्य एक स्वस्थ, संवेदनशील, दयालु, सच्चे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बच्चे को तैयार करने हेतु भावी माँ बाप को अपने सदाचारी आचरण के द्वारा अपना दायित्व निभाने के लिए कहना था, जिसे आज हम विभिन्न शिक्षा पद्धतियों मोंटेसरी, किंडरगार्डन, गुरुकुल में पाते हैं, जहां आवासीय शिक्षा केंद्रों के रूप में बाल विकास पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कर्तव्यनिष्ठ, सच्चरित नागरिक तैयार हों। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है प्याजे का विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं। प्याजे के अनुसार विकास ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें क्रमिक परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ निरंतर प्रगति होती है। उसके अनुसार शारीरिक विकास की तरह संज्ञानात्मक विकास भी चरणों में होता है। प्रत्येक चरण अन्य चरणों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं दी हुई हैं। इन चार अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं। ये चार अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था दी हुई है, अवस्था एक, संवेदी ज्ञात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। द्वितीय दी हुई है अवस्था 2, पूर्व संक्रियावस्था 2 से 7 वर्ष तक। अवस्था 3 दी हुई है, मूर्त संक्रियावस्था 7 से 11 वर्ष तक। और अवस्था 4 दी हुई है, आकारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक या आगे तक। ठीक है, इसके बाद दिया है प्याजे मनुष्य की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया को बहुत महत्व देता है। उसका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास बहुत हद तक व्यक्ति की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है
संज्ञानात्म विकास के चरण चरण दिए हुए हैं, इन्हें जानते हैं। ए दिया हुआ है संवेदी ज्ञात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था के विकास की विशेषता यह है कि बच्चा प्रतिवर्तों के समूह वाले जीव के स्थान पर ऐसे जीव में परिवर्तित होने लगते हैं जो प्रतिवर्तों को समुचित करना सीखता है, अपनी शारीरिक हरकतों को पर्यावरण में प्रात्यक्षिक उपयोगों के साथ मिलाना सीखता है। उदाहरणतया पहले शिशु अपने बाजुओं और टांगों को हिलाने की खातिर ही हिलाता था, परंतु अब वह अपने पर्यावरण में जिन वस्तुओं को देखता है उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, सरल पेशी क्रियाओं को समन्वित करना सीखता है। यह सीखता है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ स्थायी हैं। प्रारंभिक महीनों में नवजात शिशु को संसार तीव्र गति से चलने वाले एक धुंधले चलचित्र की तरह दिखाई देता है, जिसमें जो वस्तुएं उसकी आंख से ओझल हो जाती हैं उसके लिए उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बच्चा तथापि अपनी दृष्टि को केंद्रित करना सीख लेता है और यह भी सीखता है कि उसकी दृष्टि से ओझल होने वाली वस्तुएं मौजूद रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, इनके अतिरिक्त इस अवस्था की समाप्ति के निकट आकर बच्चा केवल क्रियाओं के द्वारा सब कुछ करने से आगे जाकर प्रतिनिधिनात्मक चिंतन के लिए सक्षम हो जाता है, अर्थात बच्चा वस्तुओं का मानसिक रूप से निरूपण करने में भी सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई कुत्ता शब्द का प्रयोग करता है तो बच्चे के सामने वाले उदाहरण के लिए जब कोई कुत्ता शब्द का प्रयोग करता है तो बच्चे के सामने बालों वाले एक ऐसे जीव का मानसिक चित्र उभर आता है जो भौंभौं की आवाज़ पैदा करता है। भाषा सीखना भी इसी योग्यता का अंग है, क्योंकि भाषा ही ध्वनियों और शब्द पर्यावरण में मौजूद पदार्थों और विभिन्न क्रियाओं के प्रतीक होते हैं। इसके बाद अगला जानते हैं, प्रतिनिधिनात्मक चिंतन ऐसी योग्यता है जिसमें अनुभवों के साथ सीधे भौतिक रूप से अंतःक्रिया करने के स्थान पर उन्हें मानसिक रूप में निरूपित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, पूर्व संक्रियावस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। दूसरे वर्ष की समाप्ति के निकट आकर बच्चा अपने अनुभवों के साथ सदैव सीधे भौतिक रूप से अंतःक्रिया करने के स्थान पर उनका मानसिक रूप से निरूपण करने के योग्य हो जाता है। बच्चा यह भी समझने लगता है कि प्रतीक वास्तविकता के कुछ पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में पूर्व संक्रियावस्था में बच्चा इन्हीं योग्यताओं को सुदृढ़ करता है। संवेदी ज्ञात्मक अवस्था के अंत में जो योग्यताएं विकसित होनी आरंभ होती हैं, बच्चा पूर्व संक्रियावस्था में उनसे आगे अग्रसरित होता है। इस अवस्था में एक ओर तो बच्चा वास्तविकता का मानसिक रूप से निरूपण करने में सक्षम हो जाता है, निरूपण करने में सक्षम हो जाता है तो दूसरी ओर सक्षम हो जाता है दूसरी ओर वह यह भी समझने लगता है कि वास्तविक पदार्थों को
शब्दों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, तथापि बच्चे के ये मानसिक बिंब और चिंतन प्रक्रियाएं उतनी ही विकसित नहीं होती जितनी कि प्रौढ़ों में। वास्तव में बच्चे का अधिकांश चिंतन अव्यवस्थित, अस्थिर, अतार्किक और असंबद्ध होता है। नेक्स्ट दिया है, इसी के बारे में दिया हुआ है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चे के चिंतन की कुछ परिसीमाएं इस प्रकार हैं। आइए ने जानते हम। पहली दी हुई है, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में स्व केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा दिया हुआ, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन एक समय पर समस्या के किसी एक पहलू या आयाम पर ही केंद्रित होता है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है, थर्ड, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में परांतरित ट्रांसडक्टिव तर्क निहित होता है। इसका फोर्थ दिया हुआ है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा संबंधात्मक शब्दावली नहीं समझ पाता है, जैसा कि से बड़ा, काला आदि। इसके बाद नेक्स्ट, वर्ग समावेशन अर्थात बच्चा एक ही समय पर भाग और संपूर्ण के बारे में नहीं सोच सकता। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया है, इस अवस्था में बच्चा यह नहीं समझ सकता कि वस्तुओं में आंतरिक संक्रिया किस प्रकार होती है अथवा विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होती हैं। इन परिसीमाओं के कारण पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन अतार्किक और अस्थिर होता है। वास्तविकता को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने और पर्यावरण तथा अपनी कल्पना की दुनिया के साथ प्रतीकात्मक अंतःक्रियात्मक चिंतन मूर्त होता है, अर्थात बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता के बारे में अपने प्रत्यक्षण के आधार से सोचता है। इसके बाद सी दिया हुआ है, आइए सी जानते हैं। सी दिया हुआ है, मूर्त संक्रियावस्था में पूर्व संक्रियावस्था के चिंतन की परिसीमाएं दूर होने लगती हैं। इस अवस्था में अब चिंतन तात्कालिक फोटो की तरह असंयुक्त प्रतिनिधिनात्मक क्रियायुक्त नहीं होता। अब क्रियाओं को चलचित्र की तरह एक श्रृंखला में निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रस्तुत भी किया जा सकता है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह होती है कि उनके चिंतन में उत्क्रमणीयता आ जाती है। उत्क्रमणीयता ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा बालक किसी क्रिया श्रृंखला को समझने में सक्षम हो जाता है और बाद में उसमें उन क्रियाओं को मानसिक रूप से विलोम दिशा में समझने की अर्थात उन्हें पलटने की योग्यता भी आ जाती है। उत्क्रमणीयता की योग्यता के कारण मूर्त संक्रियात्मक बच्चे को संरक्षण कृत्यों को समझने में सहायता मिलती है, जैसा कि यह बोध है कि किसी वस्तु की मात्रा में यदि कुछ जोड़ा या घटाया न जाए तो उसमें मात्रा उतनी ही रहेगी। संरक्षण की योग्यता के अतिरिक्त मूर्त संक्रियात्मक बच्चे में एक और मानसिक योग्यता विकसित होती है और वह है किसी एक अभिलक्षण जैसे रंग, आकार, आमाप के आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, जिस प्रक्रिया में बालक किसी वस्तु
जिस प्रक्रिया में बालक किसी वस्तु समुच्चय में संबंधात्मक विभिन्नताओं का परीक्षण करता है और भिन्नताओं के आधार पर उन्हें श्रृंखलाबद्ध करता है, उसे क्रमबंधन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है इन उपलब्धियों के अलावा बच्चे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक अन्य प्रमुख उपलब्धि होती है कि वह स्वकेंद्रित चिंतन से ऊपर उठता है, अर्थात वह यह समझने लगता है कि उसका सोचने का तरीका एकमात्र तरीका नहीं है, क्योंकि उसके सोचने के और भी तरीके हो सकते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने से बालक को अपने ज्ञान में विस्तार करने और एक ही वस्तु के विभिन्न पहलुओं को सीखने में सहायता मिलती है। यद्यपि मूर्त संक्रियात्मक बच्चे ने चिंतन योग्यता के विकास में पर्याप्त प्रगति कर ली है, परंतु फिर भी उनका चिंतन प्रौढ़ स्तर तक नहीं पहुँच पाता है। उनके चिंतन की कुछ परिसीमाएँ निम्नलिखित दी हुई हैं, आइए उन्हें हम जानते हैं कि कौन सी सीमाएँ दी हुई हैं। ये सीमाएं दी हुई हैं, पहली सीमाएं दी है मूर्त संक्रियात्मक बच्चे में परिकल्पना निगमन चिंतन की योग्यता नहीं होती है। इसका अभिप्राय यह है कि बच्चे में किसी समस्या के विभिन्न संभावित पहलुओं पर तर्कपूर्ण चिंतन करने और सोचकर अप्रासंगिक बातों को त्यागते हुए और अत्यधिक उपयुक्त का चयन करते हुए प्रत्येक पहलू के पक्षपक्ष के बारे में सोचने की क्षमता नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, सेकंड, सेकंड दिया है इस आयु का बच्चा किसी समस्या की गहराई तक जाकर उसके बारे में सुव्यवस्थित ढंग से चिंतन करने में असमर्थ होता है। वह समस्या के विभिन्न विकल्पों और प्रत्येक विकल्प के तर्कपूर्ण निष्कर्ष के विषय में नहीं सोच पाता है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा समस्या समाधान के लिए सुनियोजित उपागम अपनाकर प्रयत्न और त्रुटि की तकनीक अपनाता है। इसके बाद थर्ड, इस आयु के बालक में अमूर्त तर्कणा की योग्यता भी नहीं होती है, इसलिए हो सकता है कि बालक लोकतंत्र धर्म नैतिकता आदि अवधारणाओं के बारे में ना सोच पाए। इसके बाद नेक्स्ट दिया हो, डी दिया है, डी जानते हैं आकरिक संक्रियावस्था। 11 वर्ष से आगे की इस अवस्था में बच्चा शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में परिवर्तनों के साथ किशोर अवस्था में पदार्पण करता है। इस तरह से बौद्धिक विकास की इस अंतिम अवस्था को पार करते किशोर एवं किशोरियों मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करती हैं। अगर यदि कुछ कमियां रह भी जाती हैं तो जीवन के अनुभवों से उसे कमी को पूरा करता है, साथ ही साथ अपने जीवन में आने वाली किसी कठिनाई को इसी बौद्धिक संपदा के सहारे हल करता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, आप नंबर नोट कर सकते हैं 8962429653 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी प्रकार के लिए आप मदद के लिए। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक करें और साथ ही जरूरतमंद को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।